वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो आज है सुबह का टाइम और मैं सुबह लेटेस्टली 5:30 तक आजकल जग जा रही हूँ। तो आप सोचिए कि मेरे यहाँ तो कम वाली आती है, फिर मैं झाड़ू क्यों ली। तो मैं सुबह में एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि रंजना जो है वो 9 बजे तक आती है, 9, 9:30, कभी 8:30 तक भी आती है। तो मुझे पूजा करना होता है तो पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, बालकनी में झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद सिर्फ पूजा वाले रूम में को पोछा लगा लेती हूँ, बाकी सब रंजना आती है तो करती हूँ। कि सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, ऐसा मेरी सास बोलती है कि सुबह सुबह एक बार घर में झाड़ू लगाना अच्छा होता है, तो इस वजह से मैं लगाती हूँ। और उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अभी घर में सब लोग सोए हुए हैं, राहुल जी भी सोए हुए हैं, बाबू भी सोया हुआ है और कल रात में भैया भी आया था तो वो भी हॉल में सो रहा है। तो अभी सभी लोग सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा खटपट नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का नींद ख़राब हो जाए। तो अभी पहले मैं साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि साड़ी मैं पूजा करती हूँ तो ज़्यादा करके मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने से पहले मैं भगवान जी का पूरा झाड़ पोछ कर लेती हूँ, जैसे कि पूजा का बर्तन धोना हो गया, भगवान जी को झाड़ना पोछना हो गया। तो अभी मैं नहा के आई हूँ तो पहले मैं यही करूँगी। और सुबह में पूजा पाठ करने से एक घर में ना बहुत अच्छा वाइब्स रहता है और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा सुबह के टाइम पर आप अर्ली मॉर्निंग पूजा कर लेते हैं। तो अभी जब ज़्यादा गर्मी होगा तो मैं और भी सुबह कोशिश करूँगी उठने का, क्योंकि रात में होता है ना कि मैं लेट नाइट सोती हूँ, 12 बजे 1 बजे मैं सोती ही हूँ, बहुत बड़ा कि 1:30 बज जाता है मुझे सोने में। तो बस यहाँ पे मेरा पूजा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ लेती हूँ, दुर्गा माँ की चालीसा डेली पढ़ती हूँ, आरती कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी तुलसी मैया में जल चढ़ाने के लिए और तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही सुबह में मॉर्निंग का रूटीन, और बिना फूल का ना पूजा बहुत अधूरा लगता है। देखती हूँ, मतलब अरेंज करती हूँ कहीं ना कहीं से, फूल का तो मैंने 2 पेड़ लगाया है लेकिन और भी मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये सब काम करके ना मैं आ चुकी हूँ किचन में और रंजना आके काम वाम करके जा चुकी है। तो आधे घंटे में बैठ के मेरा कुछ वीडियो था इंस्टाग्राम का रील, तो उसको मैंने एडिट किया है। तो अगर आप लोग ने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, अंतरा सिंह ब्लॉगर से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसलिए प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए वहाँ पर। जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ अपने पतिदेव के लिए मैं चाय बना दूंगी और यहाँ पे ग्लूकॉन्डी घोड़ के पहले मैं रख दूंगी, क्योंकि हस्बैंड ग्लूकॉन्डी पीते हैं बट अभी नहीं पियेंगे, वो बाद में पियेंगे। तो चलिए पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ। यहाँ पे भैया को मैं चाय दे दी हूँ कि तुम रहो और राहुल जी जाके चाय पी लो, क्योंकि मैं आजकल दूध का चाय ना पी नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन 6-7 दिन से ज़्यादा हो गया मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है दूध का चाय। और उसके बाद मैं चल रही हूँ अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ पोहा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और पोहा हेल्दी भी होता है, आप डाइट प्लान में भी पोहा यूज़ कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं पोहा बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गैस पे मैं डाल दी हूँ तेल, सॉरी कढ़ाई, उसके बाद सरसों का तेल और उसके बाद जैसे ये चटक जाता है तो देख सकते हैं पूरा गैस फैल जाता है ऐसे चटकने के बाद। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज और लहसुन और जो हरी मिर्च मैंने एक रखा है वो, आलू, ये मटर, ये सब डाल के ना इनको अच्छे से भून लेंगे। पोहा बनाने का बहुत तरीका है, अगर आप लोग बादाम खाते हो तो मूंगफली जिसको बोलते हैं, मूंगफली को भी आप पहले रोस्ट करके निकाल सकते हैं, उसके बाद लास्ट में पोहा में ऐड कर सकते हैं। मुझे पोहा पता नहीं क्यों लेकिन मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है, एक तो लगता है कि हल्का नाश्ता लगता है तो ब्रेकफास्ट में मुझे बहुत पसंद है। पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पति देव को बिल्कुल भी पोहा पसंद नहीं है, वो बोलते ये कौन सा खाना है, तो उनको पसंद नहीं है तो उनके लिए मैं नहीं बना रही हूँ ये पोहा, सिर्फ मैं और भैया और बाबू खाएँगे, राहुल जी दही चूड़ा खाएँगे, चूड़ा मीन्स पोहा को ही चूड़ा बोलते हैं जिससे ये बनता है।
तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक ढक के अच्छे से पका लूँगी। इसी में टमाटर को ऐड कर दूँगी और टमाटर जब थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, टमाटर के बाद मैं जस्ट नमक ऐड कर दूँगी, जिससे क्या होता है ना, टमाटर ना बहुत अच्छे से पक जाता है। तो मुझे तो पोहा बहुत पसंद आता है, बहुत लोगों को पोहा पसंद है, मेरी जितनी फ्रेंड लोग हैं, मतलब जितनी क्या मेरी जो YouTube के फ्रेंड लोग हैं, वो लोग को पोहा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं होता पोहा। मुझे समझ में नहीं आता क्या टेस्ट इनको ख़राब लगता है पोहा का, क्यों नहीं खाते हैं ना, सच बताओ मुझे समझ में नहीं आता। ये हस्बैंड लोग का ना बहुत ड्रामा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत ड्रामा होता है। एनीवे, तो बस यहाँ पे मैं पोहा डाल दी हूँ, हल्का हल्का मसाला ऐड करके, और इसे मैं नींबू डाल दूँगी, और नींबू डालने के बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पोहा। और जब मैं पोहा बना ली तो हस्बैंड बोले मैं पोहा नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद है पोहा। तो फिर मैं उनके लिए दही, मैं उनके क्या खाइएगा बोलिए, बोले मैं दही चूड़ा खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हमारे बिहार का तो फेमस है दही चूड़ा, तो कौन कौन जानते होंगे दही चूड़ा के बारे में, नहीं जानते होंगे प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पोहा जो है मेरा यमी और सुपर डुपर यमी पोहा मेरा रेडी हो चुका है। एक तो ये पोहा कम ऑयल में बनता है, जो आप अपने डाइट प्लान में पोहा ले सकते हैं। तो चलिए पोहा रेडी हो चुका है और मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कल रात को मैं रिफाइंड का पैकेट फाड़ी थी और सुबह में गलती से मेरे से मतलब रिफाइंड पूरा गिर गया, थोड़ा सा रिफाइंड बचा हुआ है उस पर, और एक लीटर का पैकेट था ये, थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था जस्ट थोड़ा सा पकौड़े छानने में, और सारा बेकार चला गया। तो बहुत बुरा लग रहा था कि कोई सामान अगर यूज़ कर ले तो अच्छा है, और बेकार हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये गलती मुझसे हुआ। अगर उसी टाइम जैसे मैं पैकेट को फाड़ी थी ना, वैसे ही मैं अगर डब्बे में डाल देती ना, तो शायद ये नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरी गलती है, और मेरी गलती के वजह से इतना मतलब ऐसा हो गया ना, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। पर क्या करें, अपनी गलती होती तो कहते नहीं कि इंसान को, मतलब क्या बोलूँ, मन भी मन पछता रही थी। राहुल जी को नहीं बोल रही थी, उनको बोलने पे ना वो बहुत चिल्लाते हैं, इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल रही थी, उनको वो बहुत चिल्लाते हैं, बोलते तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता, तुम रखी ही नहीं होगी, ये नहीं की होगी, वो नहीं की होगी। तो चलिए यहाँ मैं भैया को नाश्ता दे देती हूँ। सिर्फ भैया ही को पता था कि रिफाइंड गिरा है, क्योंकि वो वही देखा था कि ये पानी क्यों गिर रहा है यहाँ पर, हम क्या रही है, तो रिफाइंड गिर गया पूरा। एनीवे चलिए पहले मैं बाबू को दे देती हूँ, उसके बाद और भी सारा काम है। अपने पतिदेव का नाश्ता मैं निकाल रही हूँ, दही और चूड़ा, चूड़ा मीन्स चूड़ा और दही, चूड़ा चीनी वो खाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है ये ब्रेकफास्ट। मैं बोली खा लीजिए, दही वैसे भी गर्मी का टाइम आ गया है ना, तो घर में डेली दही जब मैं जमाती हूँ गर्मी के टाइम में, तो चलिए अभी यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद कपड़े सुखाना है, तो सारे कपड़े को मैं सुखा लूँगी। धूप है ना, इतना कड़ा धूप होता है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा कड़ा धूप होता है, थोड़े ही देर में ना सारा कपड़ा ना सूख जाता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए, लंच की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैं चावल बैठा दी हूँ, और इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना है, और परवल का भरवा बनाना है, स्टफ जो होता है ना परवल का, वो भर के बनाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ लहसुन को कूट ले रही हूँ, कि बहुत सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और पता नहीं ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं तेल डाल दी हूँ, सरसों का तेल, और उसमें डाली हूँ सरसों, और सरसों जब अच्छे से तड़क जाएगा उसमें डालेंगे बैंगन और आलू जो मैं रखी हूँ कट करके, और इन सभी को मैं ऐड कर दूँगी। और बहुत सिंपल सा सब्ज़ी है, बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत कम तेल मसाले में बनता है। तो आजकल मैं थोड़ा सा कम तेल मसाला ही खाती हूँ, बट कभी कभी मन कर जाता है कुछ कुछ खाने का तो खा लेती हूँ। जैसे परवल का जो भरवा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। किन किन को परवल का भरवा पसंद है ना, मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो इस सब्ज़ी में करना क्या है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आलू बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, इसे मैंने लहसुन कूट के डाल दूँगी, हल्दी
हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डाल के नमक ऐड करके और धीमी आंच में से पका लेना है। इस सब्जी का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर यमी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब सब्जी। उसके बाद परवल का भरवा बनाऊंगी, जो किस तरीके से मैं बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अभी जो है ना मैं ना मसाला पीस रही हूँ, वही जो परवल का जो अंदर का बीज निकाल के उसमें लहसुन एक प्याज को डाल के मैं अच्छे से मिक्सर में पीस लूँगी। और हम दो ही लोग हैं खाने के लिए, तो भैया तो नाश्ता करके जा चुका था, उसने मना किया था लंच नहीं बनाने के लिए उसके लिए, तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के और नमक ऐड करके इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है। लहसुन का मात्रा ज़्यादा रखना है, तभी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनेगा। यानी लहसुन थोड़ा सा रखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लहसुन ज़्यादा आपको रखना होगा। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अलमीरा में कपड़ा डालने के लिए, जो मेरा कपड़ा फोल्ड करके मैं रखी हूँ तो वो मैं डाल दूँगी इसमें, और बाकी बड़े वाले अलमीरा में राहुल जी और बाबू का कपड़ा रख देती हूँ। और बड़े वाले अलमीरा में मेरा साड़ी रखा हुआ, मैं अपने कपड़े से ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ा से पूरा अलमीरा भरा रहता है हमेशा ही, तो वो हो जाता है कभी, क्या कर सकते हैं। देखिए ये एक बात है ना कि स्पॉन्सर्स का भी कपड़ा बहुत सारा आता है ना, तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है ना बहुत कुछ, तो हस्बैंड लोग ये बात नहीं समझते हैं ऐसे। तो फिर मैं अभी आ चुकी हूँ, अभी तब तक मेरा आलू बैंगन का सब्ज़ी रेडी हो रहा था, तो मैं सोची कि चलो चलिए हाथ ना हॉल की थोड़ी सी ना क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि हॉल आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे कमेंट आया था आप सिर्फ बेडरूम बेडरूम दिखाती हो, अपना हॉल क्यों नहीं दिखाती हो। तो देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी ना मतलब अब मुझे से बेडरूम का बेड ठीक की तो दिखा देती हूँ आप लोग के साथ, मतलब जो अपना डेली का डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ तो वही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ढाई तीन बजे तक मुझे रेडी, मतलब ढाई तीन बजे तक मुझे खाना खा लेना है। मैं आधे घंटे मतलब जिम जाने से एक घंटे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़ा चेंज करती हूँ, फिर जिम जाती हूँ, इतना सारा काम होता है ना। और सच बताऊँ मुझे बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है, इससे क्या है ना कि बेफालतू की बातें आपको नहीं होगा, इधर का उधर उधर का उधर बात करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि बस बिज़ी रहो अपने काम में, अपनी लाइफ में फुल लॉफ बिज़ी रहो, कि दूसरों के बारे में सोचने का ना आपके पास वक्त ना हो। तो बस ये सब मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, ब्लॉग शूट मेरा होते रहता है, इसी में अगर कोई ज़रूरी वाले लोग हैं जिनसे मुझे बातें करना है, जिनसे मुझे प्यार भरी बातें करना है, तो बस मैं उन लोग से बातें भी करती रहती हूँ। लेकिन जैसे कि अब मैं बस ये चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहूँ, फुल ऑफ बिज़ी रहूँ, मतलब हद से ज़्यादा बिज़ी रहूँ ये चाहती हूँ, सच बताती हूँ मैं। मन नहीं करता, पता है आजकल के लोग ऐसे हैं ना कि इधर का बात उधर करते हैं, उधर का बात उधर करते हैं, तो मुझे मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। आपके सामने लोग आपके तरीके की बातें कर लेंगे, उनके सामने उनके तरीके की बातें कर लेंगे, इसलिए मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मन करता सिर्फ मैं अपने काम पर फोकस करूँ, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने ससुराल में जो भी लोग हैं जिनको मुझे केयर करना है, जैसे मेरे सास ससुर हैं तो मुझे उनमें ध्यान देना है, तो मैं अपने लाइफ में बिज़ी रहूँ, मैं दूसरों के बारे में ना सोचूँ, मैं बस यही सोचती हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी बातें करते करते क्लीनिंग भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे बाबू का बदमाशी देख सकते हैं, फुल ऑफ बदमाशी चल रहा है। तो बस यहाँ पे परवल को मैं किस तरीके से कट की हूँ मैं आपको दिखाई हूँ, उसके अंदर का बीज मैं निकाल चुकी हूँ और उसका मैं पेस्ट भी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ परवल को, परवल का भरवा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं किस तरीके से बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको डीप फ्राई कर लेना अच्छे से, और तेल में नमक डाल के ज़रूर फ्राई करो। यहाँ पर मैं परवल का बीज, लहसुन, प्याज डाल के गरम मसाला, मीट मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करके और मसाले को अच्छे से भून लेना है, नमक ऐड कर लेना है। मैं टमाटर ऐड नहीं की, ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अपने अपना सबका स्वाद होता है ना। और नमक एकदम स्वाद अकॉर्डिंग में ऐड की हूँ, जितना मुझे नमक चाहिए था। तो ये मसाला जो है ना मेरा रेडी हो चुका है, और सच बताऊँ मुझे परवल का भरवा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, करेला का भी भरवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से ना हम एक स्पून चम्मच की हेल्प से ना हमें इसको अच्छे से ना भर लेना है परवल को मसाले के अंदर, और इसके जो मसाले बचेगा ना उस पर थोड़ा सा पानी ऐड करके और उसको बॉईल करके उसमें ग्रेवी लगा लेना है, और ये सब्जी फुल ऑफ रेडी हमारा हो जाता है।
तो देख सकते हैं हमारा सुपर डुपर यमी टेस्टी सब्जी जो है वो रेडी हो चुका है। और ये सब्जी ना बहुत ही अच्छा लगता है। चार परवल का भरवा है, दो हस्बैंड खाएंगे, दो मैं खाऊंगी, बस हो गया। और उसके बाद सैलेड बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक हस्बैंड आ जाते हैं लंच करने के लिए। तो और नहीं आते उस दिन मुझे कंफर्म कर दे कि मैं आज नहीं आऊँगा, तो यहाँ पे खीरा ले लूँगी। मूली नहीं काटी थी क्योंकि मूली ना थोड़ा सा सूखा सूखा टाइप का हो गया था, तो सैलेड में ना ताज़ा ही मतलब फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो मूली मैं देखी सूखा हो गया तो नहीं ली मैं, गाजर ले ली, बीट ले ली, चुकंदर जिसको बोलते हैं वो ले ली, और उसके बाद टमाटर मैं नहीं ली क्योंकि हस्बैंड ना टमाटर नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं ली। बेफालतू बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नींबू डाल दी हूँ और एक प्याज ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे हमारा सैलेड जो है रेडी हो जाएगा। और इसको कट करके मैं फ्रिज में डाल दूँगी, जब हस्बैंड आएंगे तो इसमें नमक और नींबू मैं डाल के रेडी कर दूँगी। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलती हूँ, मेरे सारा काम खत्म हो चुका है, अब खाना खाना है, थोड़ा रेस्ट करना है, चेंज करना है, जिम जाना। बाबू मेरा गुड बॉय है ना, बाबू दवाई खा लेता है ना, खाओ अच्छे से, खाओ अच्छे से, खा लो, दैट्स माय गुड बॉय। तो बाबू का सोच रहे होंगे आप लोग बाबू कौन सा दवाई खा रहा है। तो बाबू को जैसे कि बोलता था ना, तो बहुत बात होता है कि बाबू क्लियर बोलता था, लेकिन बहुत सारा ऐसा बात था कि जो उसको बोलने में ना उसका बोली ना लटपटा जाता था। जैसे कि बहुत जल्दी जब बोलता था ना तो वो उसका बात ना समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है। तो इसलिए होम्योपैथिक से दिखाए हैं इसको, तो वो दवाई दिया है। तो ऐसे वो बोल रहे थे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये ऐसे ही मतलब ठीक है, बच्चा धीरे धीरे ही बोलता है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब ज़रूरी है इसको क्लियर बोलना, तो फिर वो दवाई दिए, तो वो अभी खा रहा था। मेरा गुड बॉय खा लिया है ना बेटा, कल रात में बड़ा ड्रामा कर रहा था, कल रात को नहीं खा रहा था, सच में बहुत ड्रामा कर रहा था, लेकिन अभी सुबह से जब से मैं खिला रही हूँ तब से खा ले रहा है। जानता है कि मम्मी कितना काम करती है, मम्मी को परेशान नहीं करना है, है ना। बाबू टोटी नहीं खाओ, बाबू टोटी नहीं खाओ, ओके। सबको पूछो कैसे हैं, वैसे जीभ निकाल के गंदा बात, सब बोलेगा गंदा बच्चा है। हेलो बोल दो सबको, हेलो पूछो कैसे हैं, कैसे हैं, सबको किसे कर दो, बोलो लाइक कीजिएगा, लाइक कर लिए हैं, लाइक कर लिए हैं। तो अभी अपने दादाजी से बात कर रहा था लगभग 1 घंटा से ऊपर, पापा से बात किया है, दादाजी बात कर रहा था दादाजी से, बोले दादी दादाजी बात करो, दादाजी से बात कराओ, ओके। तो अब अपनी दादी माँ से बात किया है, दादाजी से बात किया, अभी सबसे बात किया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी कहीं होंगे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते होंगे। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।